हम लोग आज टेस्ला के शोरूम में आए हैं और टेस्ला लाइक हमारी मर्सिडी वाली गाड़ी खराब हो गई, अब टेस्ला ले रहे हैं। और मैंने आपको मर्सिडी का शोरूम दिखाया था, दैट वाज रियली हाई एंड अमेजिंग लुकिंग। ये तो जैसे एक शेड सा नहीं होता, ऐसा ही है, बहुत ही बेकार सा बिल्डिंग है इसकी। और दे रियली डोंट केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि बिल्डिंग अच्छी हो या ना हो, ये वो दिस एंड दैट, दे डोंट केयर। मुझे लगता है हमारी कार वो खड़ी है, मुझे लगता है, क्योंकि हम कल करवा गए थे अपना सब डॉक्यूमेंट वगैरह, मुझे लगता है। पर ये तो गंदी है, नहीं वो तो साफ होगी। ये देखो इतनी सी बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है। और इनके जो सेल्समैन हैं, जो लाइक रिसेप्शनिस्ट है, सब कुछ बहुत ही बेसिक सा है। अब जब मर्सिडीज़ में आप जाते हो तो उनके तो सब हाई एंड ही है, काम पूरा हाई एंड। आपको फीलिंग आती है कि हाँ आप एक नेक्स्ट डिफरेंट लेवल वर्ल्ड में हो। और ये देखो, ये तो मुझे तो बहुत ही बेसिक लगता है। ये इनका है बिल्डिंग, देखो ये कितनी बेसिक सी बिल्डिंग है, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। ये बेसिक सा है। ये रही हमारी टेस्ला, अभी एंट्री हो रही है, हमारी लक्ष्मी अंदर जाएंगी। जाओ लक्ष्मी, मेरे घर की लक्ष्मी। ये टेस्ला बाई मॉडल है, मैंने कहा इसके जैसी ड्राइव की है। एक्चुअली प्लेट तो है नहीं, सनी उनको बोलो प्लेट दें। ओके, वो बोलते हैं चेक कर लो, तो फिर मैं चेक कर लूँ। इसकी ऐसे खुलती है डोर भी। ये है जी, इसका सब कुछ इसी में है, ये पैनल सा जो लगा है, सब कुछ इसमें है। डॉक्यूमेंट्स साइन हो रहे हैं। ये देखो एलन मस्क भैया बहुत ही स्मार्ट हैं, शातर बंदा पूरा। इसने बहुत बेसिक रखा हुआ है सब कुछ, लाइक ये जो लड़के हैं इनका कोई पेंट कोट नहीं डाले हुए हैं, ड्रेस अप नॉर्मल है, लंडू सा है एक अपना कैफेटेरिया, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इट्स लाइक नथिंग, आई वुड से इट्स नथिंग इफ यू आर कंपेयर टू मर्सिडीज, इट्स नथिंग। दे हैव टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, तरह तरह की कॉफीज एंड एवरीथिंग। ये इतना इतू सा एरिया बस देख लो। और ये जो सेल्स पीपल हैं वो भी ऐसे बेचारे सिंपल से हैं। और वहाँ मर्सिडीज वालों का है तो वो तो हाई एंड होते हैं, लड़के लड़कियाँ सब उधर। एंड ये बहुत ही बेसिक से लोग हैं, इसका मतलब इनको पे भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। जितना बंदे को पैसा मिलता है उसने उतनी ही उसकी टॉर निकलती है, उसका स्टैंडर्ड अप होता है ना, उसको बताया जाता है कि भाई अपना स्टैंडर्ड अप रखो। उनको कुछ कोई इशू नहीं है, ये छोटा सा है बस, इतना सा है ये। देखो कितनी गंदी बिल्डिंग है, दे डोंट केयर। एलन मस्क भैया जी बहुत ही स्मार्ट शातर बंदे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी गाड़ी बिकती है बस ठीक है। पर गाड़ी की आपको मैं बात बताऊं, कल मैंने डेमो लिया, इस बंदे ने भी लिया था मेरे साथ ही, इसने एक और देखी थी, हमने और देखी थी, हमने कल डेमो लिया। जब ही मैंने उसका दबाया ना पेडल एक्सेलरेशन वाला, तो वो ऐसे निकलती है नीचे से जैसे रॉकेट निकल रहा है, इतनी पावर है इसमें। इसकी पावर जो फरारी लैम्बोर्गिनी की जितनी है, और लाइक एक्सेलरेशन अमेजिंग है इसकी। जब निकलती है तो बस बंदा कहता है कि गई, नीचे से निकल गई। ये खड़ी है, तो अभी ये प्लेट लगा देंगे और हम लोग ऑन द वे देख के निकल जाएंगे। ये बड़ा ही स्मार्ट सा है सब कुछ इस बंदे का ना। बाकी गाड़ियां लेने जाते हो आप लोग, टाइम लगता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन टाइम लग जाता है, मान लो एक दो दिन लग जाते हैं, या एक दिन ही लग जाता मान लो। इधर हमको 15 मिनट, कल आए थे हम लोग, 15 मिनट कल लगे एप्लीकेशन की, 15 मिनट में एप्लीकेशन अप्रूव होके डन हो गया जी आपका, और बता दिया कि इतना डाउन पेमेंट डालना है। और ये आई थिंक उन्होंने बोला 7500 डाउन पेमेंट डालना है, हमने 7500 डाउन पेमेंट का ड्राफ्ट बना के लेके आए हैं, हम लोग उसको दे देते हैं बस डन। बाकी का ये 65,000 की पड़ी है हमें कैनेडियन की, और बाकी $730 मंथली पेमेंट है इसकी। तो ऐसी बात नहीं है भाई कि कोई ज़्यादा आने वाली कोई बात नहीं,
डेट है, कर्ज ही है, पर फिर भी ब्लेस्ड हैं, भगवान की कृपा है कि आपको चीज़ मिल जाती है जो आपको चाहिए आधे घंटे में। जैसे हम आए आधे घंटे में लेके जा रहे हैं ना, तो पर है डेट, धीरे धीरे करके पे करते रहेंगे। क्या बात है, क्या इशू है, कोई इशू नहीं है। मॉडल एक्स एंड इट्स ऑलमोस्ट $150,000। दे हैव फ्लैशी स्टाइलिश स्टीयरिंग व्हील एंड यू कैन सी द स्क्रीन। अदर देन दैट लाइक द सीट कलर इज द वाइट ऑन वाइट, लक्स रियली गुड। एंड द विंड, लुक द डोर, इट्स ओपनिंग। या दिस इज द स्टाइल, बट दिस इज $150,000 एंड द वन दैट आई बॉट दैट्स फॉर $65,000। घर को ड्राइव करना शुरू कर रहे हैं, अभी घर को जा रहे हैं। एंड ये इसका म्यूजिक है, ये 93.1 के तो क्या एफएम पे जाना, एफएम कहाँ है, ये रहा न्यूज़ कंटेंट कैनेडा ਵਿਚਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨ ਮੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਲੋ ਜੀ, ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, Song ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬੀਕੇਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਚਲਾਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ। Yeah, she is going to get the charger. लो जी, आही ऐसे स्टार्ट हो जाती है ये, ऐसे बंद कर दिया बस कार बंद हो गई, ऐसे किया तो कार स्टार्ट हो गई, जब मैं एक्सेलरेशन प्रेस करूँगा तो ये मूव हो रही है, बस ऐसे चल पड़ती है। अगर मैंने पैर उठा दिया एक्सेलरेशन से, जैसे ये एक्सेलरेशन से मैंने पैर हटा दिया तो खुद ही ऐसे रुक जाती है, ब्रेक भी नहीं दबाना पड़ता, ये ब्रेक इस तरफ पर खुद ही रुक जाती है। हाँ जी, ये सारा जो रूफ है इसका वो सारा ग्लास का ही है, यहाँ से शुरू हो जाता है और ऐसे चलता, देखो पूरा ग्लास का ही है। एंड फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग रियली ब्लेस्ड बाय बाबा जी की कृपा। एंड थैंक यू करता भगवान का, रियली 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 अप्रिशिएट। वो एक और पंजाबी लोग आए हैं हमारे, वो भी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, अभी टेस्ट करके आए उस गाड़ी को, वो छोटी लगती है मेरे ख्याल से। ठीक है जी, दिखाता हूँ आपको और भी चीज़ें इसकी जो धीरे धीरे पता चलेंगी, मुझे भी अभी धीरे धीरे पता चलेगा बहुत कुछ, तो आई शो यू गाइस, कीप इन टच, सब्सक्राइब कर लो। इसका पूरा टूर दिखाएंगे हम आपको, आई मीन पूरा रिव्यू कराएंगे कि कैसी फीलिंग है गाड़ी की, कैसे चलती है। तो जब हम
फ्रीवे पे अभी निकलेंगे तो फिर देखना ये कैसे जाती है, हवा हवा से बात करती है। इसका भी टैंक खुला है पीछे से, वो चार्जर रख रहे हैं वो लोग, तो बता रही है कि भी टैंक खुल गया। थोड़ी पूजा हमारे लिए भी कर दो। इन्होंने नई गाड़ी ली है, पूरी पाठ पूजा की है इन लोगों ने। गुजराती हैं और बहुत धार्मिक होते हैं ये लोग। ये देखो वो गाड़ी ली है इन लोगों ने, वो वाली, वो उस पर फूल फाल लगाए हैं पूरे, स्वास्थ्य का साइन एंड ऑल दैट। मैं उसको बोल रहा था लेडी को कि हमारे लिए भी थोड़ी पूजा कर दो। जी जब बैक करते हैं तो ये सब कैमराज हैं बैकअप के लिए। बस यहाँ से अभी मैंने आगे वाला गियर डाल दिया तो ऐसे स्क्रीन एडिट होती रहती है इसकी। तो ये देखो भाई अभी ये मुझे बताएगी, ये मैंने सिग्नल लगा दिया तो राइट साइड वाला कैमरा दिखा रहा है कि इधर राइट साइड में क्या है। इसे ये दिखा रहा है कि भाई क्या है इस तरफ में। पीछे का सीन भी दिखा रहा है, मेरे पीछे कौन आ रहा है, और राइट साइड भी दिखा रहा है पूरा। जैसे शोल्डर चेक करना पड़ता है इधर, इसमें लिंक करने की जरूरत है क्योंकि ये दिखा रहा है वैसे ही। ठीक है जी, ये लो हम लोग इसकी टॉर्क बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा। आपने स्पीड देखी होगी ना, यहाँ पर एकदम से ऐसे ऐसे भाग जाती है, देखो पावर बहुत है इसमें। पावर ने ही मुझे कायल कर दिया सीरियसली, क्योंकि आई ऑनेस्टली बिफोर आई टेस्ट ड्राइव दिस कार आई यूज टू हेट टेस्ला। आई फील कि इसमें एक डब्बा सा है और कुछ भी नहीं है, कि एक डब्बा सा लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दी और दे दी कार बना के, और वो भी इतनी महंगी। तो मैं ऐसे सोचा करता था पहले, पर जब मैंने ये कल टेस्ट ड्राइव की ना तो पूछो ही मत, ये नीचे से निकलती है बंदा का, लाइक आप देखते हो कैसे लगता है कि गई। जब आपने प्रेस पूरा कर दिया ना प्रेस, ये देखो सारी साइड वाली कार एवरीथिंग दिखाता है मुझे, क्योंकि मेरा सिग्नल चल रहा है। ये कैलगरी का ब्यूटीफुल एरिया है। जैसे देखो कितना खुला खुला, जब मैं पहले बीसी में रहता था, जब मैं आता था तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती थी कि कितना खुला खुला है। देखो ये बाहर है डाउनटाउन से, वो सामने डाउनटाउन है, और ये एरिया काफ़ी ओपन ओपन है। एंड इट लुक्स रियली गुड इन दिस एरिया, आई लाइक इट। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। दिखाते हैं आपको ये फ्रीवे के आसपास में जो घास है इतना, ये काटता कौन होगा, कभी दिमाग में आया? नहीं आया तो बता देते हैं। वैसे ये देखो ये इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर लगे हुए हैं यहाँ पर, ये मेंटेन करके रखते हैं, घास काटने वाली मशीन है ये देखो, इसके पीछे जॉन डियर का इतना बड़ा ट्रैक्टर है। गड्डी जट दी क्या तारे देखते सतते इतों देखते तारे सी दिखाई दे रही है ये गाड़ी। ये काफ़ी फैंसी लाइट है इसकी, और कैमरे लगे हुए हैं इसके सभी जगह,
कहाँ कहाँ पर 8 कैमरे हैं इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ। एक तो ये रहा, ये कैमरा है, और एक ये रहा, इसके अंदर ये कैमरा है, यहाँ वाले मुझे दिखाई नहीं देते, पता नहीं कहाँ है, पर हैं इधर भी 2 कैमरे, क्योंकि बैकअप का भी दिखाती है ना, ये ऊपर से सारा ग्लास ही है। ये पीछे का सीन है इसका, ये टोयोटा का शोरूम है, जस्ट टू हैव यू एन आइडिया कि वो पहले वाला जो था वो टेस्ला का कितना लाइक बेसिक था। अगर आप इनको देखते हो, यहाँ पर हमने ये गाड़ी रेंट की थी इनसे, तो उसको रिटर्न करने के लिए आया हूँ। या हैव अ लुक, या सो ये है टोयोटा का, जस्ट टू कंपेयर। देखो रिसेप्शन पे कितने बंदे खड़े हैं, और इनके सेल्समैन हैं वो भी फैंसी हैं, लाइक अच्छा ड्रेसअप वगैरह एवरीथिंग। एंड अभी बाद में अभी मैंने अपना मर्सिडीज़ की जो मेरी गाड़ी है वो मर्सिडीज़ वालों के पास खड़ी है, और उससे मैंने वो गराज डोर ओपनर वगैरह निकालना है, तो मैं वो आपको दिखा के लेके दिखाऊंगा, वो भी उनका भी, तो ये पता चलता है कि हाँ कोई अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी। उधर देखा था ना आपने क्या था, उसमें कुछ भी नहीं था, पर वो एक पंजाबी की कहावत है, लोगों का ना दुध विकदा तेरा विकदा जलकुरे पानी, इसका मतलब है कि लोगों का दूध भी नहीं बिकता। और जलकुर इसको एलोन मस्क को बोला गया है, कि जलकुर जो है एलोन मस्क है, उसका पानी भी बिकता है। अब उसकी इतनी चढ़ाई हो चुकी है उस गाड़ी की, उसकी गाड़ी की, और पूरा ब्रांड बन गया है। ये मर्सिडीज़ का शोरूम है, और इनकी लाइक इट गिव्स यू अ फील ऑफ रियली रियली हाई एंड लग्जरी लुक ऑफ एवरीथिंग। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, पर बाहर से दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मेरी वाइफ गई है अंदर, इसकी जो गराज ओपनर था वो लेने गई है हमारी पहले वाली गाड़ी का। तो अंदर भी जो लोग हैं सारे लाइक हाई स्टैंडर्ड वाले हैं, इन्होंने जो रखे हुए हैं ना, सेल्समैन हो या रिसेप्शन पे जैसे लड़कियां हैं, एवरीथिंग इज़ रियली शाइनी एंड स्पाइकी बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। मैंने एक पहले वीडियो डाली है, उसमें देख लेना आप लोग अंदर का सीन, और जो कैफेटेरिया है यहाँ पर क्लाइंट्स आके बैठते हैं, एवरीथिंग दैट्स रियली गुड, लाइक हाई एंड। आज पहली बार हम लोग हमारे बेडरूम से शादी देख रहे हैं किसी की। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बज गया, देखो जी जागो। हमारी सीट से जाको निकल रही है, मैंने सोचा बना रहे हैं वीडियो इसकी। जट्टा जाग पई वही हुण जागो आईया।